हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी डॉट कॉम पे चलिए दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक्स की ऐसे दो कंपनीज़ की जो फ्यूचर में लॉन्ग रन में एक मल्टी बनने वाले हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स देने वाले हैं अगर आपके पास बीस है आज के डेट में मार्केट में लगाने के लिए ये स्टॉक आपको करोड़ों में मन, मुनाफा देने वाले है तो इन दो स्टॉक्स का हम इस वीडियो में कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे क्यों ऐसा हमें लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोड होने वाले हैं और आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देने वाले हैं तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टॉक सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के रिटर्न्स की इफ यू टॉक अबाउट वन ईयर 275.45 परसेंट रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने इसी टाइम पीरियड के अंदर 73.18 परसेंट दिया है एंड इसने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है बाई 202.27 परसेंट विच इज अ फिनोमिनल मार्जिन सेक्टर ने 85.23% रिटर्न्स दिए हैं इन द सेम टाइम पीरियड एंड इसने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया है बाई 190.22% ये स्टॉक डिविडेंड्स भी देते हैं अपने निवेशकों को डिविडेंड यहाँ पे 3.4% है विच इज अ फिनोमिनल रेशो बात अगर करें ओवरऑल रिटर्न्स की तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है दो साल में 215.65 परसेंट रिटर्न वन मंथ में 11.01 परसेंट रिटर्न सिक्स मंथ में 45.34 परसेंट रिटर्न एंड ओवरऑल ये सेंसेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है हर एक टाइम पीरियड के अंदर एंड रिटर्न्स बहुत दे रहा है अपने निवेशकों को अब बात करते हैं ये स्टॉक के की मैट्रिक्स के ऊपर करंट स्टॉक प्राइस एक सौ का है मार्केट कैपिटल 959 करोड़ का है इन टोटल बुक वैल्यू फिफ्टी फाइव रुपीज का है विच इज अ वेरी गुड वन सेक्टर पी के रेशो की बात करें तो 11.56 है और स्टॉक का पी जो है 6.61 तो ये स्टॉक सेक्टर के मुकाबले में बहुत सस्ता है और अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है फिफ्टी वीक्स हाई की बात करें तो वन रुपीज पर शेयर है 52 वीक्स लो की बात करें तो 22.4 रुपीस पर शेयर है डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.32 है जो कि बहुत ही अच्छा रेशो है क्योंकि डेट इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही कम है बात अगर करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सबसे ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी की जो है वो है प्रमोटर्स के पास 64.04 जो कि बहुत अच्छी चीज है इन लास्ट थ्री मंथ्स

चलिए अब इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी इज करंटली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर फिल्म्स स्पेशलिटी पॉलीमर्स एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स सर्विंग टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक एफ एम सी जी टेक्सटाइल्स ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग अप्लाइंसिस एंड टेलीकॉम एट्सट्रा देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जहाँ पे ये कंपनी डील करती है इट ऑल्सो सर्व डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर को ये स्टॉक क्यों बाई करना चाहिए क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है बहुत ही जल्दी एक्सप्लोर होने वाली है मल्टीबैगर बनने वाली है ऑल दोज फैक्टर्स वी हैव लिस्ट डाउन हियर We will be going through them. The company has declared positive results for the last 12 consecutive quarters, which is a very good thing. Stock is technically in mildly bullish range. Promoters have increased their stake in the company by 2.59% over the previous quarter and currently hold 64.04% of the company. Promoters increasing their stake is a sign of high confidence in the future of the business at the current price, the company has a high dividend yield of 3.4, which is a good thing, over the past year while the stock has generated a return of 248% its profit have risen by 105.4%, company's standalone net profit rises to 69.68% in the december 2020 quarter, which is a very good. करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू विच इज अ गुड थिंग विच मीन्स हम इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं गुड टाइम टू कंसिडर एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवर बॉट जोन अगेन अ वेरी गुड थिंग ओवर द लास्ट फाइव ईयर नेट इनकम हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ नाइंटी वन पॉइंट एटी थ्री परसेंट वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ ट्वेंटी सेवन पॉइंटी सिक्स परसेंट क्वाइट अ ग्रेट मार्जिन कंपनी हैजेरी लो डेट लाइक ए सेट डेट कंपनी का बहुत ही कम है now, this company's net cash flow and cash from operating activity is increasing, which is a very good sign. company is effectively using its capital to generate profit, return on capital employed improving in last two years. it is effectively using shareholders fund return on equity, roe improving since last two years, which is again a very good thing. company has increased revenue every quarter for the past two quarters. it's again a very good sign. The name of the company is Esther Industries Limited. चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस चार्ट पे करंटली जो स्टॉक की प्राइस है वो एक सौ है एंड अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सौ रुपए के आसपास इस स्टॉक की रेजिस्टेंस लेवल है मतलब अगर कोई इस स्टॉक को एक सौ दस एक सौ पंद्रह रुपए के बीच में भी खरीदता है या सौ रुपए पे भी खरीदता है एक सौ पे भी खरीदता है इट इज अ वेरी गुड बाय ऑल दो पे भी ये बहुत अच्छी चीज है ये स्टॉक नीचे आ रहा है अक्यूमुलेट हो रहा है एंड पीपल कैन गो फॉर बाइंग फॉर दिस स्टॉक एंड ये स्टॉक मुझे लगता है हमें लगता है कि यह स्टॉक बहुत ही ऊपर जाने वाला है इन द नियर फ्यूचर लॉन्ग रन में आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला है और आपको इनफैक्ट बहुत ही बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देने वाला है लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक दैट वी हैव इन द लिस्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक के रिटर्न्स के ऊपर एक साल में 394.78 परसेंट रिटर्न विच इज अ वेरी गुड थिंग सेंसेक्स ने 72.35 परसेंट दिया है और आउट परफॉर्म बाय 322.43 परसेंट विच इज ह्यूज मार्जिन सेक्टर ने दिया है 68.53 परसेंट कमा के आउट परफॉर्म सेक्टर बाय 326 हंड्रेड ट्वेंटी विच इज अगेन अ वेरी ह्यूज मार्जिन डिविड पेइंग कंपनी है वन का डिविडेंट यील्ड रखती है इन फोर ईयर्स टू Return the in one year 394.78% return the six months 15.83% return the and it is giving a very good returns to its stockholders. बात अगर फाइनेंशियल्स की करें तो ये स्टॉक रेवेन्यू के मामले में और प्रॉफिट के मामले में भी बढ़ रही है 2019 में रेवेन्यू था 2.30,000 करोड़ जो कि बड़ा है 2020 में 2.83000 करोड़ प्रॉफिट 2019 में था 0.09000 करोड़ जो कि 2020 में 0.25000 पॉइंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बढ़ा है now let's show the detailed analysis of this talk, company is principally engaged in offering a broad and integrated portfolio of active pharmaceuticals ingredients, api, including intermediates, generic, finished dosage forms, ftf, and contract research services to cater to the need of global pharmaceuticals industry. Now the company is among the leading api manufacturers in arv and oncology segment now why we feel that an investor should buy this stock healthy long term growth as net sales has grown by an annual rate of 29.15% and operating profit at 54.22% the company has declared positive results for the last six consecutive quarters stock is technically in mildly bullish range it is ranked 19th across all mid cap and 104th across entire the market the company has strong annual eps growth now this stock has been generating better returns on equity than bank ft good time to consider as the stock is not in overbought zone 50% analysts have suggested that investors can buy this stock. Over the last five years, revenue has grown at a yearly rate of 15.84% versus industry average of 7.26%, which is a very huge difference over the last five years, net income has grown at a yearly rate of 30.15% versus industry average of 4.02%. over the last five years, market share increased from 0.82% to 1.19%. company with decreasing promoter pledged holding book value per share is improving for last two years, increase in profits in every quarter for last four quarters. the name of the company is loris labs limited joe eck. मल्टीबैगर बनने वाली है वेरी सून इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक प्राइस चार्ट देन करंटली द स्टॉक प्राइस इज थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव रुपीज पर शेयर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कोई भी निवेशक अगर इस स्टॉक को तीन सौ से लेकर 330 के बीच में खरीदेगा देन इट इज इट इट विल बी अ गुड बाय आई पर्सनली फील ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही फंडामेंटली और टेक्निकली साउंड है आप खुद का एक एनालिसिस इन स्टॉक्स पे कर सकते हो और आप निवेश कर सकते हो एंड आपको मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक से मिल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो